बड़ी संख्या में भारत के किसानों के पास जमीन का मालिकाना हक नहीं है। ऐसे किसान दूसरे बड़े किसानों और जमींदारों की जमीन पर खेती करते हैं। भूमिहीन किसान लागत और उपज में हिस्सेदारी को लेकर मौखिक अनुबंधों से बंधे रहते हैं। मौसम परिवर्तन के कारण कृषि में अनिश्चितता और नुकसान बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में भूमिहीन किसानों पर मौसम का सबसे अधिक असर हो रहा है। मूंगफली 5 एकड़ बरसात में चली गई और सूखा में गेहूं चला गया, तिल्ली चली गई, धान गिरकर जम गया बरसात में। फसल में 1 लाख को नुकसान हुआ। तो आपको कोई मुआवजा या फिर फसल बीमा नहीं मिला? ना, कुछ नहीं मिला। आज एक बाबू जी मिला ना मिला वो हमको तो पता नहीं। मुआवजा खेत मालिक ने जो मिला है तो खेत मालिक ने ले लिया, हमको कुछ नहीं दिया। तुम्हारा नुकसान हुआ? हाँ, हमारा नुकसान ज्यादा हुआ। भारत में कृषि मुख्यतः मानसून पर निर्भर है। जैसे जैसे चरम मौसम की घटनाएं बढ़ रही हैं, फसल के नुकसान की आशंका बढ़ती जा रही है। सरकारें फसल खराब होने पर मुआवजा देती है, लेकिन यह उन किसानों को ही मिलता है जिनके पास अपनी जमीन है। भूमिहीन किसान को मुआवजा का लाभ नहीं मिल पाता। देश भर में किसानों की सही संख्या पर सरकारी आंकड़ों की कमी इस समस्या को और बढ़ा देती है। धान में स्टार्टिंग में तो मतलब बारिश नहीं हुई तो पेड़ का विकास अच्छा नहीं हुआ। उसके बाद लास्ट में जो हम लोग पानी वानी लगा के उसको तैयार कर लिए, उसके बाद में लगातार बारिश हो गई जिससे कि लगभग 50-60% धान का नुकसान हुआ हमारे क्षेत्र में। अगर पूरा कैलकुलेट कर रहे थे हम एक दिन फ्री माइंड में होके तो लगभग 12-13 लाख रुपए का मेरा नुकसान हुआ साल 2021-22 में। पूरा साल वेदर चेंजिंग की वजह से जो भी किसान हमारे साथ में हैं, हमारे क्षेत्र के हैं, नुकसान ही हुआ उनका अच्छा खासा। खेती करने में काफी लागत लगती है। किसान लागत को बैंकों और साहूकारों से कर्ज लेकर पूरा करते हैं। बेमौसम बारिश या अन्य मौसम की घटनाओं के कारण फसल खराब होने की स्थिति में कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाता है। इसी का है मतलब बर्डन है। भूमि विकास का लोन था, वो ब्रांच से 2 बार आए, मतलब नोटिस भी आई, तो अब फाइनेंशियली वीक थे तो कुछ उनको नहीं कह पाए, यही कहा कि नेक्स्ट बार में करते हैं। खेती से ही पैसे आते हैं और मतलब डिपेंड है उसी पे, तो जब वहाँ से सपोर्ट नहीं हो रहा तो हम तो कोशिश कर रहे हैं। ये लोन लगभग 6-7 साल पुराना है। हालांकि कुछ राज्यों ने पट्टेदार किसानों के हितों की रक्षा के लिए कानून बनाए हैं, लेकिन उन्हें अभी तक लागू नहीं किया गया है। कई राज्यों में खेती के लिए भूमि को पट्टे पर देना अभी भी अवैध है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में इन किसानों का योगदान महत्वपूर्ण है। उनके अधिकारों की सुरक्षा देश के भीतर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में काफी मददगार साबित होगी।